और ये है वेज मंचूरियन सुपर क्रिस्पी क्रिस्पी परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर होटल में जैसा मिलता है, क्रिस्पी और ग्रेवी में एकदम अच्छे से कोट किया हुआ। इसमें हमने डाला है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे सुपर सुपर क्रिस्पी बन जाता है। तो इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जानने के लिए रेसिपी तो देखना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ सत्या, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं एकदम क्रिस्पी वाले वेज मंचूरियन और इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे यह बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है पत्ता गोभी जो मैंने बारीक काट लिया है। अगर आपको चाहिए कि कद्दूकस करना है तो वो भी कर सकते हैं। मुझे मंचूरियन में वो टेक्सचर चाहिए होता है सब्जियों का, इसलिए मैंने इसे थोड़ा बड़ा कट किया है। अब वेज मंचूरियन में फिश वेजिटेबल तो पड़ते ही हैं। यहाँ पर मैंने लिया है शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, प्याज लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, मिर्ची कट किया हुआ लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, उसके बाद मैदा, ये है सोया सॉस और ये है रेड चिली सॉस और मैंने लिया है टमाटो केचप और ये है क्रंची बनाने के लिए सीक्रेट जो मैंने बोला है, ये है पोहा। पोहा को मैं मिक्सी में बारीक कर लूँगी, ये देखिए। अब इसे मैं डाल रही हूँ मैदा। कॉर्नफ्लोर और यह लहसुन अदरक का पेस्ट, एक काली मिर्च का पाउडर, ये है सोया सॉस और ये चिली सॉस और ये टमाटो केचप। और ये जो मैंने पोहा बारीक किया था उसको मैंने मिक्स कर दिया। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे इसको और उसमें मैंने शिमला मिर्च डाला है और नमक डाला है। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद ये देखिए अभी तैयार हो गया है। अभी मंचूरियन बना लेंगे, कोई भी शेप आप दे सकते हो। मैं बना रही हूँ, ये देखिए तैयार है। मैं ऑयल डाल रही हूँ, अब उसको मैं तल लूँगी। ये देखिए मस्त हो चुका है, रेडी हो चुका है। ये देखिए क्रिस्पी है, क्रंची क्रंची क्रंची, अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये ऑयल डाला है और उसे कटी हुई मिर्चियों को डाला है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ओनियन जो मैंने कट किए थे उसको डाल रही हूँ। अच्छे से सुनहरा होने तक इसको भूनेंगे। और इसके बाद कैप्सिकम को डालेंगे, इसको भी अच्छे से भूनेंगे। अब इसे मैंने डाला सोया सॉस और विनेगर डाला मैंने
टमाटो केचप और रेड चिली सॉस, और ये मैंने कॉर्न फ्लोर को घोल के डाला है इसमें, और जो अपना तैयार था मंचूरियन उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको भुनने के बाद ये देखिए अब ये रेडी हो चुका है मस्त मस्त मंचूरियन, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो ये है मेरा क्रिस्पी क्रिस्पी मंचूरियन रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो कैसा लगा ये मेरा आप भी बना के देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।